सर, जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग टू नेटफ्लिक्स, वेल ये है क्या? तो 2017 की जस्टिस लीग देखने के बाद फैंस डिमांड करने लगे कि रिलीज द स्नाइडर कट, और स्नाइडर कट के रिलीज होने के बाद डिमांड करने लगे कि रीस्टोर द स्नाइडर वर्स। पर चीजें और ज्यादा पेचीदा हो गई जब जेम्स गन ने आते ही DCEU को रिबूट मार दिया DCU नाम से, और इस नए DCU में हेनरी कैविल का सुपरमैन नहीं होगा, जेसन मोमोआ का एक्वामैन नहीं होगा, और तो और कुछ पता नहीं कौन होगा या कौन नहीं होगा। तो स्टूडियो ने तो फैंस की उम्मीदों का गला घोट दिया कि बेटा हम तो स्नाइडर वर्स नहीं दे पाएंगे, लेकिन फैंस भी ये कहने लगे कि अगर तुमसे ना हो पाएगा तो नेटफ्लिक्स को दे दो। अब देखो, ये बातें हवा हवाई में तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि ये सारी चीजें प्रैक्टिकली कितनी लॉजिकल है। WBD राइट्स क्यों देगा, नेटफ्लिक्स राइट्स क्यों खरीदेगा, और सबसे बड़ी बात, किसी ने स्नाइडर से पूछा? हालांकि मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि एक शॉर्ट्स में क्या ही समझा दूंगा। तब तक तुम कमेंट्स में लिख दो स्नाइडर वर्स।